Do you feel the buzz? हेलो फ्रेंड्स, पबजी मोबाइल का लेटेस्ट अपडेट आ चुका है और हमें इसे अपडेट करना है, राइट? तो अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल स्टेप्स है, आपको सिर्फ उसे फॉलो करना है। मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ आपको देखिए हमने जो लिंक दिया है अवेलेबल है आपके सामने स्क्रीन पर, राइट? इस लिंक को आपको कॉपी करना है और गूगल क्रोम में पेस्ट करना है, या लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसे सिर्फ क्लिक करोगे आप तब भी गूगल क्रोम में वो ओपन हो जाएगा, ठीक है? देखिए हम आपको शो करते हैं, बस इसे आप क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, गूगल में जाइए, फिर इसे पेस्ट करना है। ओके, ये हो गया है, फ्री लिंक है, ठीक है? इसे सिर्फ डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड एनीवे, और ये आपका स्टार्ट हो गया है। बताता हूँ मैं आपको, डाउनलोड स्टार्ट हो गया। मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने डाउनलोड कर लिया हूँ। बताता हूँ आपको स्क्रीन पर, ठीक है? बहुत सिंपल है, ये आगे बताता हूँ आपको क्या करना है, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। जैसे ही आपकी फाइल डाउनलोड हो जाती है, इसे सिर्फ आप पीसी, अगर कोई पीसी यूज़र है तो उसे आप अपने मोबाइल में कॉपी कर लेना है आपको फाइल को। देखिए बताता हूँ, है ना, ये मेरा फ़ोन है पोको एक्स टू, इंटरनल स्टोरेज में जाना है, ऐड क्लिक एंड पेस्ट। ये मेरी फाइल आ चुकी है पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन 1.2.0 APK, राइट? ठीक है, हम इसे मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं कैसे इंस्टॉल होता है। ये जो स्टेप्स हैं ये सिर्फ पीसी के लिए नहीं है, आप इसे मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल यूज़र्स भी इसे इजीली अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं मोबाइल में आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? अब हम इसे देखते हैं मोबाइल में, हमने ऑलरेडी कॉपी कर लिया है, फाइल मैनेजर पर क्लिक करते हैं, नीचे देखिए लास्ट में अपने को दिख रहा है पबजी मोबाइल, ठीक है? इसे इंस्टॉल करने के लिए क्लिक करते हैं, ये इंस्टॉलेशन के लिए स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? फाइल मैनेजर सेटिंग्स, अगर आपने अननोन एप्लीकेशन को ऑथराइज़ नहीं किया तो इसे पहले ऑथराइज़ करना पड़ता है, अलाउ फ्रॉम दिस सोर्सेज, यस, ठीक है? अब MI फोन्स अगर है, मेरे पास तो MI है, तो वो परमिशंस मांगता है दो एक बार, ठीक है? इसे एक्सेप्ट करना है, अलाउ कर दिया है, ठीक है? बैक जाते हैं और इसे अब इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, बहुत सिंपल स्टेप्स है। आप लोग को किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप जिस नीचे कमेंट में मुझे कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? ये हो गया है, अब ये हो रहा है स्कैनिंग, वो पूछेगा, ये ओपन का ऑफ बटन आ गया है, ठीक है? इसे ओपन करते हैं, ठीक है? ये हमारा गेम स्टार्ट हो रहा है, परमिशन एक्सेप्ट, बूट स्क्रीन, ठीक है? ओके, ये हमारा अब स्टार्ट हो चुका है। देखिए बहुत सिंपल स्टेप्स है, इससे पहले भी मैंने बताया आपको। अब देखिए, अब आपके पास जो है दो ऑप्शन है, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट जो है लो स्पेक्स के लिए है, लो स्पेक्स बेसिकली मीन्स लो ग्राफिक्स के लिए है, और राइट हैंड साइड जो है वो HD ग्राफिक्स के लिए। तो मैं HD ग्राफिक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज मेरा फ़ोन थोड़ा सा ना हाई स्पेक्स में आता है, तो उसमें ग्राफिक्स अच्छे आएंगे, इसीलिए मैंने उसे सेलेक्ट किया। अगर आप भी, आपको भी थोड़ा MB बचाना है तो आप लो स्पेक्स भी कर सकते हो ऐसा, लेकिन इतना ही ग्राफिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा ही डेफिनेटली, ठीक है? और ये साइज़ थोड़ा ज़्यादा है इसका, 552 MB है। देखते हैं इसे डाउनलोड करते हैं और आपको बताते हैं मेन स्क्रीन। ठीक है, अब हमारा इंस्टॉलेशन तो कंप्लीट हो चुका है रिसोर्स पैक्स का। ये कुछ प्राइवेसी पॉलिसी से है जो पबजी की तरफ से है बताया, उसमें कुछ अपडेट्स के बारे में डिटेल्स दिया है कि क्या क्या अपडेट्स आए हैं, क्या है पता नहीं, तो ठीक है। जैसे मैं तो फेसबुक से लॉगिन करता हूँ, ऑटो लॉगिन तो हो जाएगा, फेसबुक ऑलरेडी लॉगिन है मेरा। ओके, हियर वी गो, ये अपडेट हो चुका है, देखिए। ओके गाइस, इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।